आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गूगल की इंडेक्सिंग से अपने ब्लॉग पोस्ट को परमानेंटली रिमूव कैसे करना है, क्यों जरूरत पड़ती है अपने ब्लॉग पोस्ट को गूगल की इंडेक्सिंग से परमानेंटली रिमूव करने की। क्योंकि देखिए, अगर आपने अपने ब्लॉग से उन ब्लॉग पोस्ट को डिलीट कर दिया है जो स्टिल गूगल की इंडेक्सिंग में अभी भी रैंक कर रहे हैं, और जब कोई यूजर गूगल की इंडेक्सिंग से इन ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक करके आपके ब्लॉग में आते हैं तो उन्हें वो पेज नहीं मिलता, वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, उन्हें 404 का एरर आता है। तो ये आपके ब्लॉग के यूजर एक्सपीरियंस के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है और आपके ब्लॉग के एसईओ के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए हमें क्या करना होता है, जितनी भी ब्लॉग पोस्ट हम अपने ब्लॉग से डिलीट करते हैं उसे गूगल की इंडेक्सिंग से भी हमें परमानेंटली रिमूव करना होता है। आज के समय में देख रही हूँ बहुत सारे लोगों को गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता, वो लोग मल्टी निश में अपना ब्लॉग शुरू कर लेते हैं और बहुत सारी ब्लॉग लिख लेते हैं, कम से कम 50, 100, 150 पोस्ट लिख लेते हैं, फिर उन्हें गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता और वो क्या करते हैं, वो अपनी सारी पोस्ट को डिलीट कर देते हैं। ये भी एक रीजन है जिस वजह से लोग अपनी ब्लॉग पोस्ट को डिलीट कर देते हैं और वो ऑलरेडी गूगल के इंडेक्स में रहती हैं, वो गूगल के इंडेक्सिंग से रिमूव नहीं करते और वो उनके सर्च कंसोल में काफी एरर आ जाता है और उनके जो ब्लॉग है और उनका जो ब्लॉग है उनके एसईओ में भी काफी एरर आ जाता है। दूसरे केस में क्या होता है कि अगर आप न्यूज साइट चला रहे हैं या फिर कुछ ऐसा कंटेंट लिख रहे हैं जो एक टाइम के बाद आउटडेटेड हो जाता है, अगर आपके ब्लॉग में आउटडेटेड कंटेंट है उसे भी आपको गूगल इंडेक्स से रिमूव करना होता है। तो ऐसे कुछ और रीजन भी है जिस वजह से आपको गूगल की इंडेक्सिंग से अपने ब्लॉग पोस्ट को रिमूव करना पड़ता है, मतलब कि वो जो ब्लॉग पोस्ट है वो गूगल के इंडेक्स में आए ना। इसके लिए हमें क्या करना है, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर मैंने लिखा site:bloggingcourseinhindi.com, आपको क्या करना है, आपको site:, और आपका जो भी डोमेन है वो लिखना है। ये लिखने के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे, जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने वो सारी पोस्ट आ जाएंगी जो गूगल में इंडेक्स हो चुकी है। ये देखेंगे ये गूगल के इंडेक्स में ये सारी पोस्ट अभी भी अवेलेबल है और ये इंडेक्स है। लेकिन जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये जो 404 फाउंड एरर है ना, ये वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सारी पोस्ट मैं अपने ब्लॉग से डिलीट कर चुकी हूँ, लेकिन स्टिल ये अभी भी गूगल के इंडेक्स में रैंक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे और जाएंगे इस पोस्ट पर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं पर क्लिक करती हूँ, तो आप देखेंगे ये जो पोस्ट है ये मैंने होम पेज पे रिडायरेक्ट करके रखी है। कैसे की है, इस वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा। क्या होता है कि जैसे कि ये वाली जो पोस्ट है ये इंडेक्स है, कभी कभी हम क्या करते हैं अपने यूआरएल को सोशल मीडिया पे भी शेयर करते हैं, वहां से तो आप लिंक रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपने कहाँ कहाँ शेयर करके रखा है। जैसे कि ये वाला पोस्ट है, मे बी शायद मैंने क्वेरा में शेयर किया हो, मैंने लोगों से बैकलिंक ली हो, या फिर मैंने सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम पे शेयर किया हो, मतलब मैंने बहुत सारी जगह से शेयर किया होगा, तो इस लिंक को मैं वहां से जाके तो डिलीट नहीं कर सकती है, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। मैंने इन सारी लिंक को 404 से होम पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया है। कैसे किया है ये आपको इस वीडियो में देखने मिल जाएगा। तो देखिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको ये वीडियो देख के ये वाली प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाके देखेंगे ऑल 404, ये वाली प्लगइन में आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि देखिए 1200 ऐसे यूआरएल है जो होम पेज पे रिडायरेक्ट हुए हैं। समझ रहे हैं आप, इतना शायद मैं मैन्युअली वर्क नहीं कर पाती, तो ये जो प्लगइन है ये वन क्लिक में कर देती है। तो यहाँ पर देखेंगे ये सारे आपको वो यूआरएल मिल जाएंगे जो अब ब्लॉग पे एग्जिस्ट नहीं करते। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो ये प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपके जितने भी पोस्ट गूगल में इंडेक्स है वो सबके सब आपके कहाँ पर, होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने किया है क्योंकि अगर ये लिंक सोशल मीडिया पे शेयर है तो वहां पर जब कोई क्लिक करके आएगा तो वो कहाँ पर आ जाएंगे, वो होम पेज पे आ जाएंगे। लेकिन अब सेकंड स्टेप क्या करना है, सेकंड स्टेप में मैं चाहती हूँ कि जितने भी इंडेक्स हैं, जितने भी यूआरएल जो है ये गूगल में इंडेक्स है, इसे मैं इंडेक्सिंग से हटा दूँ, गूगल के इंडेक्सिंग से मैं इसे रिमूव कर दूँ। एक टाइम के बाद गूगल के क्रॉलर खुद आते हैं, क्रॉल करते हैं और जो भी पोस्ट उन्हें आपके ब्लॉग पे नहीं मिलती है वो अपनी इंडेक्सिंग से रिमूव कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले भी आपको कुछ एक स्टेप लेना होता है, वो मैं आपको बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो ब्लॉग है इस पे मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे ये ब्लॉग अभी एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं क्या करूंगी, जैसे कि ये वाला जो इंडेक्स है इसकी लिंक कॉपी किया, इसके बाद आपको जाना है गूगल सर्च कंसोल में। तो गूगल सर्च कंसोल में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रिमूवल, आपको रिमूवल में आ जाना है और रिमूवल में आने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा टेम्परेरी रिमूवल, आपको यहाँ पर न्यू रिक्वेस्ट करनी है और इस यूआरएल को आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन पूछेंगे, रिमूव दिस यूआरएल ओनली, रिमूव ऑल यूआरएल विद दिस प्रीफिक्स। ये वाला सेकंड ऑप्शन आपको चूज नहीं करना है, आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज करना है, नेक्स्ट करना है और यहाँ पर आपको सबमिट रिक्वेस्ट कर देनी है। जैसे आप सबमिट रिक्वेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि
मैंने गूगल को रिक्वेस्ट किया है कि इस वाले ये वाला जो ब्लॉग है अब ये हमारे ब्लॉग पोस्ट ये वाला जो ब्लॉग पोस्ट है ये अब हमारे ब्लॉग पे नहीं है, तो इसे आप अपने इंडेक्सिंग से रिमूव कर दीजिए। अब यहाँ पर स्टेटस दिख रहा है प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट, ये डन हो जाएगा, मतलब उनकी इंडेक्सिंग से ये रिमूव हो गया है। इसमें टाइम लगता है, आप एक एक करके जितनी भी पोस्ट आप अपने वर्डप्रेस ब्लॉग से या फिर आप अपने ब्लॉगर ब्लॉग से डिलीट करते हैं, है ना, जितनी भी पोस्ट आप डिलीट करते हैं, डिलीट करने से पहले आपको क्या करना है, आपको एक नोटपैड में उन सारी लिंक को कॉपी करके रखना है। अदरवाइज फिर आपको यहाँ सर यहाँ से एक एक करके फाइंड आउट करना होगा, जिसमें आपके लिए बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। जितनी भी पोस्ट आप अपने ब्लॉग से डिलीट करें उन यूआरएल को आप अपने नोटपैड में सेव करके रखें, फिर उन सबको एक साथ कॉपी करके यहाँ पर जाएं सर्च कंसोल में और न्यू रिक्वेस्ट पे जाके उस यूआरएल को मतलब पेस्ट करके यहाँ पर रिमूव कर दें। इस तरह से आप गूगल के पास क्या करेंगे, आप रिक्वेस्ट भेजेंगे रिमूवल की और कुछ टाइम बाद ये सारे के सारे जो पोस्ट है वो गूगल इंडेक्स से हट जाएंगे। मे बी 10 दिन में भी हो सकता है, 15 दिन में हो सकता है, 20 दिन में, और कभी कभी 1 महीने भी लग सकता है। तो इस तरह से आप अपने इंडेक्सिंग पोस्ट को रिमूव कर सकते हैं। ये आपके SEO के लिए सही है और ये आपको करना भी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जब तक आप क्या करें, अपने जितने भी पोस्ट हैं उनको होम पेज पे तो रीडायरेक्ट कर ही दे। तो इस वाली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, ये वाला तो आप इंस्टॉल कर ले, यहाँ पर आपको वो सारे URL मिल जाएंगे जो होम पेज पे रीडायरेक्ट हुए हैं, तो इससे आपका SEO अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ब्लॉगिंग से रिलेटेड यहाँ आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।